एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि। इसके रिलेटेड हम बात करेंगे आज कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जो आपके किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, केवीएस, एमपी टेट। तो इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है और एक नंबर में आता ही आता है, चाहे एग्ज़ाम आपका टीचर एलिजिबिलिटी भी किसी भी स्टेट लेवल का हो। तो अभी तो हमारा सी टेट एग्ज़ाम है, आगे पोस्टपोन हो चुका है, मगर आपको तैयारी अपनी और अच्छी करनी है। एक मौका मिला है तो जो भी आपकी कमियां हैं उन सबको आप फुलफ़िल कीजिए। एक मौका मिलता है उसको हमें सफलता के लिए बेकार नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी की जो प्रमुख परिभाषाएँ जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो वो हम देखेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए, इनको नोट कीजिएगा, या आप चाहें किसी भी कहीं भी इसको स्क्रीनशॉट पे जैसे आप चाहें उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी प्रमुख परिभाषाओं की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम ऑथेंटिक हैं, इसमें किसी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार अगर हम बात करें तो वुडवर्थ जी क्या कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बहुत बार आपके एग्जाम में वुडवर्थ की पूछी गई है। तो बुद्धि क्या है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगली बात करेंगे हम टर्मन की, तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगर आप सिर्फ याद करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा अमूर्त को आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में किसने बात की है, टर्मन ने, ठीक है। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे वुडरो, तो वुडरो के अनुसार अगर हम बात करें तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। अगली बात करते हैं हम डियर बर्न, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, ठीक है। इसका जरा आपने देखा कि डियर बर्न जी क्या कहते हैं, डियर बर्न कहते हैं बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है और आपको नोट भी करते जाना है। अगली बात करेंगे हम हेनमॉन, बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान है। अब ऐसा नहीं है कि आप वही पुरानी बुद्धि की जो परिभाषा है उनको ही देखते रहें, तो आगे भी जो एग्ज़ाम में आएंगे हम नए नए उनके बारे में भी जानेंगे। अगले बात करते हैं हम विनय, विनय ने क्या किया था, बुद्धि पर सबसे पहले परीक्षण किया था, कहाँ पर किया था ये आपको मुझे बताना है, तो ठीक है। तो बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, किन चार शब्दों में आप बात कर लेते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। या इस तरीके से आ जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने चार शब्दों में बुद्धि को परिभाषित किया है, तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, तो ठीक है विनय की बात करते हैं। अगली बात करते हैं हम थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने किया था अपना प्रयोग बिल्ली पर, ठीक है। तो इसको बहुत बार कई कई नामों से जाना जाता है, थॉर्नडाइक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। पिटनर के अनुसार की अगर हम बात करें तो जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की बुद्धि है। कॉल्विन जी क्या कहते हैं, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या उसमें मतलब कह सकते हैं समाहित करना, मतलब एक तरीके से अनुकूल होना सीख लिया, तो वह क्या कहलाएगी, वातावरण के अनुसार बुद्धि, ठीक है। अगले बात हम करेंगे रायबन की, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने का उद्देश्य देती है। स्टर्न क्या कहते हैं, स्टर्न के मतानुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में जानबूझकर समायोजित करता है, ठीक है। अगली बात करते हैं गाल्टन के अनुसार, गाल्टन जी क्या कहते हैं, गाल्टन कहते हैं बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है, ठीक है। बकेम क्या कहते हैं, मतानुसार उनके बात करें तो सीखने की बुद्धि ही बुद्धि है, मतलब जो सीखने की शक्ति है उसको हम क्या कहते हैं,
बुद्धि। तो आगे इस तरीके से और भी परिभाषाएँ लाते रहेंगे और भी जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे और बात करेंगे। और इसी तरीके से आप इस चैनल पर बने रहिए स्टडी विद प्रियंका, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।